अम्मी बस करें आप चाय वाली बात पे कुड़ना, बहुत हो गया। भाई हद होती है हर बात की, सुबह शाम में जलील होती रहती हूँ। आप ना योगा करें, मेरे साथ बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। चले मुझसे नहीं, ये बगले की तरह एक टांग पर खड़ा हुआ जाता। तो मुझे तो योगा करने दे फिर। हलीमा हमारी बहू तो लगता है योगा करने के लिए तैयार है, माशाल्लाह माशाल्लाह। उर्फत भाभी ये क्या सुना है मैंने? अरे भाभी क्या फायदा, अगर कुछ सुना भी होगा तो अब तक तो भूल गई होंगी आप। नहीं नहीं अच्छी तरह से याद है मुझे, अभी थोड़ी देर पहले मुझे सरमत ने बताया था। क्यों अम्मा? क्या ये आप योगा कर रही हैं? नहीं तो क्या है? कहते क्या आए थे? वो डाकू का अफसोस करने आया था ना। हाँ वो उल्फत भाभी हमने तो ये पूछना था कि डाकू घर के अंदर घुसे कैसे। भाई अंदर कैसे आए ये तो नहीं पता, लेकिन बाहर गए हैं मामू की वजह से। ए सुना है डाकुओं का बॉस फैन निकल आया डिस्को सफियुल्ला का? हाँ कुछ ऐसा ही सीन था। या तो खुद मेरे साथ योगा कर ले या आप लोग प्लीज अंदर चली जाए प्लीज। हाय हलीमा चलो हम भी करते हैं ना। सुना है योगा से दिमाग खुल जाता है और मुंह की लाली इतनी फ्रेश हो जाती है, इतनी लाल गाल हो जाते हैं जैसे कि टमाटर की तरह। और होंठ तो बिल्कुल बत्तख की तरह ऐसे चोट। चलिए चलिए मेरे साथ चल। आई नो मी बहुत मजा आएगा, मैं कह रही हूं। आ जाओ चलो भाई, क्यों मुंह में टाई खड़ी हो? ये अम्मी और माँ फोन क्यों नहीं उठा रहे? अपने किसी काम में बिजी होंगी, फोन को इधर तो रख दिया होगा। ऐसा कौन सा काम है जिसने होश बुलवा के रख दिए सबके? सबका फोकस सामने होना चाहिए, कोई दूसरे को नहीं देखेगा। लाइन चलो चलो। हाँ भाई हम सब फॉलो करेंगे। हाँ चलो फॉलो करें तुमको। टेक अ डीप ब्रेथ। सुल्तान अंकल ने तुम्हें क्या मैसेज किया था? उन्होंने ये लिखा था कि सर को डॉक्टर के पास लेकर चले जाओ। तुम्हें ज्यादा टेंशन हो रही है तो तुम सर को कॉल कर लो। नहीं भाई नहीं, तुम्हारे सर को रात जज्बात में आकर मैंने बता दिया था कि दद्दू को टिकटॉकर बनाने का मशवरा मेरा था। तुम ना भी बताती ना तुम्हारी शक्ल से पता चल जाता। शक्ल से याद आया, ये तुम क्या पेंगुइन जैसी शक्ल बना लेते हो सारम को देखकर? क्योंकि मुझे ऐसे कोई खास हेल्प नहीं चाहिए। डफर नहीं हम, जो उसके बाप ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया हमें। खैर डफर तो है नहीं, जितनी डिस्कशन हुई है मेरी उसके साथ। He's an absolute genius. अपने हिस्से की हेल्प ले लेना फिर, ठीक है? मुझे कोई शौक नहीं। तुम अपने नाम के साथ जल कुकड़े का इजाफा क्यों नहीं कर लेते? माशाल्लाह पूरी की पूरी क्लासेस तो शुरू कर दी तुमने। चुप करो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ कर रही हूँ, तुम अपना काम खराब करो। या अल्लाह ये कैसे होगा? और महा अपने पीछे जिंदा लाशें तो देखो। ये कैसे हुआ? अब दोबारा तो नहीं गिरा सकता ना, हो सकता है हड्डियां टूट जाएं। यार नहीं ये तो कमर टूट गई है। खुदा का खौफ करें कौन करवाता है इतना मुश्किल एक्सरसाइज? मुश्किल नहीं था ये था बस, बस ये था आपके लिए आसान है इनके लिए नहीं। मुझे तो लगता है मैं जिंदगी भर नहीं खड़ी हो पाऊंगी। कुछ नहीं होगा, कोशिश करें खड़े होने की। मेरी तो कमर का पटाखा भूल गया। वो तो किस पागल ने मशवरा दिया था ये योगा करने का? इसने मुझे क्या पता था इन लोग का स्टैमिना ही नहीं है। और आप तो रोजाना वॉक के लिए जाती ना, आपको क्या हुआ है? और ये कहाँ वॉक करने जाती है, ये अपना तमन्ना मेरिट सेंटर के लिए क्लाइंट तलाश करने जाती है। कोई धरना वरना चल रहा है इधर? मरने की प्रैक्टिस हो रही है सफियुल्ला। और ये माहा ने ये योगा सेशन करवाया तीनों का और पहली क्लास में सारे खिलाड़ी फेल हो गए। हाँ तो योगा क्लास के साइड इफेक्ट है शायद। हाँ